दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD Education। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे औषधीय पौधे की जो हमारे शरीर के सभी बीमारियों में बहुत ही लाभ देता है। जी हाँ, जिसका नाम है गिलोय। दोस्तों गिलोय एक ऐसी ही बेल है जिसे आप सो मर्ज की एक दवा कह सकते हैं, इसलिए इसे संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। कहते हैं कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और इस अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ पर गिलोय की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसके पत्ते पान के जैसे दिखाई देते हैं और जिस पौधे पर यह चढ़ जाती है उस पौधे को ये कभी मरने नहीं देती। इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ बताए गए हैं जो न केवल आपको सेहतमंद रखते हैं बल्कि आपकी सुंदरता को भी निखारते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गिलोय के फायदों के बारे में, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों गिलोय एक ऐसी बेल है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे बीमारियों से दूर रखती है। इसमें कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी शरीर को ये तैयार करती है। दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये खून को साफ करती है, बैक्टीरिया से लड़ती है। लीवर और किडनी की अच्छी देखभाल भी गिलोय के बहुत सारे कामों में से एक है और ये दोनों ही अंग खून को साफ करने का काम करते हैं। दोस्तों अगर किसी को बुखार बार बार आता हो तो उसे गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय हर तरह के बुखार से लड़ने में मदद करती है, इसलिए डेंगू के मरीजों को सबसे ज़्यादा गिलोय के सेवन करने की ही सलाह दी जाती है। डेंगू के अलावा मलेरिया, स्वाइन फ्लू में आने वाले बुखार से भी गिलोय छुटकारा दिलाती है। दोस्तों गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है यानी ये खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, इसलिए इसके सेवन से खून में शर्करा की मात्रा कम होती है जो कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों गिलोय आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। ये बेल पाचन तंत्र के सारे कामों को भली भांति संचालित करती है और भोजन के पचने की प्रक्रिया में मदद करती है। इससे व्यक्ति कब्ज और पेट की दूसरी गड़बड़ियों से या बीमारियों से दूर रहता है। दोस्तों गिलोय स्ट्रेस को भी कम करती है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। गिलोय एडप्टोजन की तरह ये काम करती है और मानसिक तनाव और चिंता के स्तर को कम करती है। इसकी मदद से न केवल याददाश्त ताज़ा होती है बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी दुरुस्त रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों गिलोय आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत सहायक है। गिलोय को पलकों के ऊपर लगाने पर आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए आपको गिलोय पाउडर को पानी में गर्म करना होगा। जब पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे अपनी पलकों के ऊपर लगाएं। दोस्तों गिलोय अस्थमा में भी बहुत फ़ायदा देती है। मौसम के परिवर्तन पर खासकर सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को नियमित रूप से गिलोय की मोटी डंडी चबानी चाहिए या उसका जूस पीना चाहिए जिससे उनके अस्थमा में उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों गिलोय गठिया में भी बहुत फ़ायदा करती है। गठिया यानी कि अर्थराइटिस में भी न केवल जोड़ों के दर्द में बल्कि चलने फिरने में भी जो परेशानी होती है गिलोय उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। गिलोय में एंटी अर्थराइटिक गुण होते हैं जिसकी वजह से ये जोड़ों के दर्द सहित इसके कई लक्षणों में फ़ायदा पहुँचाती है। दोस्तों गिलोय एनीमिया में भी बहुत सहायक होती है। भारतीय महिलाएं अक्सर एनीमिया यानी कि खून की कमी से पीड़ित रहती है। इससे उन्हें हर वक्त थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। गिलोय के सेवन से शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ती है और एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों गिलोय कान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कान का मेल बाहर नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी गिलोय को पानी में पीसकर उबाल लें, ठंडा करके छान के कुछ बूंदे कान में डालें। एक दिन में ही कान का सारा मेल अपने आप बाहर आ जाएगा। दोस्तों गिलोय पेट की चर्बी कम करने में भी बहुत सहायक है। गिलोय शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है, सूजन कम करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है।
ऐसा होने से पेट के आसपास जो चर्बी जमा होती है वो जमा नहीं हो पाती और उससे आपका वजन कम होने लगता है। दोस्तों, गिलोय यौन इच्छा को भी बढ़ाती है। आप बगैर किसी दवा के यौन इच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय में यौन इच्छा बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं जिससे यौन संबंध बेहतर होता है। दोस्तों, खूबसूरती बढ़ाने में भी गिलोय बहुत सहायक है। गिलोय न केवल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये त्वचा और बालों पर भी एक चमत्कारिक रूप से असर करती है। गिलोय में एंटी एजिंग गुण होते हैं जिसकी मदद से चेहरे के काले धब्बे, मुहासे, बारीक लकीरें और झुर्रियाँ तक दूर हो जाती हैं। इसके सेवन से आप ऐसी निखरी और दमकती त्वचा पा सकते हैं जिसकी कामना हर कोई करता है। अगर आप इसे त्वचा पर लगाते हैं तो घाव बहुत जल्दी भरते हैं। त्वचा पर लगाने के लिए गिलोय की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। अब एक बर्तन में थोड़ा सा नीम या अरंडी का तेल उबालें, गर्म तेल में पत्तियों का पेस्ट मिलाएं और ठंडा करके आपके चेहरे पर या घाव पर लगाएं। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा में कसावट भी आती है। दोस्तों, गिलोय बालों की समस्या को भी दूर करता है। अगर आप बालों में डैंड्रफ, बाल झड़ने या सिर की त्वचा की अन्य बीमारियों से परेशान हैं तो गिलोय के सेवन से आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी गिलोय के फायदे यानी कि उसके लाभ के बारे में। अब बात करते हैं कि गिलोय का प्रयोग हम कैसे करें। सबसे पहले गिलोय का जूस। दोस्तों, गिलोय की डंडियों को छील लें और इसमें पानी मिलाकर मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें और छान कर सुबह सुबह खाली पेट पिएं। अलग अलग ब्रांड का गिलोय जूस भी बाज़ार में मिलता है, आप चाहें तो वहां से भी ला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ताज़ा गिलोय की डंडियों को छील लें और इसमें पानी मिलाकर मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें और उबाल कर ठंडा होने के बाद इसका सेवन करें। दूसरा, आप काढ़ा भी बनाकर इसको ले सकते हैं। 4 इंच लंबी गिलोय की डंडी को छोटा छोटा काट लें और इन्हें कूट कर 1 कप पानी में उबालें। पानी आधा होने पर इसे छान कर पिएं। अधिक फायदे के लिए आप इसमें लौंग, अदरक और तुलसी भी डाल सकते हैं। तीसरा, आप इसे पाउडर के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो गिलोय पाउडर बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए गिलोय की डंडियों को धूप में सुखाकर उसे मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लें और उसे यूज़ कर लें। दोस्तों, बाज़ार में गिलोय की गोलियाँ भी मिलती है जिसको गिलोय वटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर पर या आसपास ताज़ा गिलोय उपलब्ध ना हो तो आप मार्केट से गिलोय वटी को लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अरंडी यानी कि कैस्टर के तेल के साथ गिलोय मिलाकर लगाने से जोड़ों का गठिया की समस्या में आराम मिलता है। इसे अदरक के साथ मिलाकर लेने से रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या से लड़ा जा सकता है। इसे चीनी के साथ लेने से त्वचा और लीवर संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। अर्थराइटिस के आराम के लिए इसे घी के साथ भी यूज़ में करते हैं। कब्ज होने पर गिलोय में गुड़ मिलाकर लेने पर वो आपके कब्ज में बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, अब तक हमने बात करी है गिलोय के फ़ायदे और गिलोय को किस तरह से आपको यूज़ करना है इसके बारे में। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो गिलोय को नियमित रूप से इस्तेमाल करने के कोई गंभीर दुष्परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, इसलिए इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ब्लड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा कम न हो जाए। दोस्तों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय के सेवन से बचना चाहिए और 5 साल से छोटे बच्चों को गिलोय का प्रयोग न करने दें। तो ये थी दोस्तों गिलोय के बारे में संपूर्ण जानकारी, गिलोय के लाभ, गिलोय को किस तरह से आपको प्रयोग में लेना है और गिलोय से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।